ही रहा हमारे गांव का मंदिर, जो कि थोड़ा सा जंगल के अंदर में है। घर घर खेल रही है। सो ये रहे हमारे घर के गर्ल्स वन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल अभी सुबह का टाइम है और अभी सुबह का टाइम है 7 बज गए हैं। तो अभी हम जा रहे इधर घूमने के लिए। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है और मस्त कोहरा भी छाया हुआ है तो और भी अच्छा लगता है। तो मैं अपना सोल वोल फोड़ के जा रही हूँ इधर घूमने के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है। और मेरे साथ ना आज कोई बच्चे नहीं आ रहे, क्योंकि अभी शायद सो के नहीं उठे हैं कुछ लोग। तो लोग नहीं आ रहे हैं, बस अकेली जा रही हूँ। सो चलिए थोड़ा सा घूमते हैं और आप लोगों को भी थोड़ा सा घुमाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं तो घूमने के लिए निकल चुकी हूँ, बट बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। बाप रे, अब मन तो कर रहा है कि यहाँ से चले जाऊँ, बट नहीं जाऊँगी। अभी तो दूर आ ही चुकी हूँ, तो यहाँ से थोड़ा सा घूम के जाऊँगी। और एक ना ये जंगल के बीच में ना एक छोटा सा मंदिर है, तो वो भी आप लोगों को दिखाते जाऊँगी। तो अब आ ही चुकी हूँ तो वापस नहीं जाऊँगी। सो चलिए फिलहाल चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। सो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम पहुँचने वाले हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे गांव का छोटा सा मंदिर। तो फाइनली अभी मैं पहुंच चुकी हूँ। सो ये देखिए, आप लोग देख सकते हो, और बहुत ही प्यारा सा मंदिर है वैसे, बट यहाँ पे ना पूरा बंद कर दिया है। बाहर में भी पास भी बंद कर दिया है और अंदर में भी बंद कर दिए हैं, पूरा ताला वगैरह लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता है ना, इसीलिए। तो जब पूजा करना होता है तो आके खोल के फिर करते हैं। और मैं अंदर जाके नहीं दिखा सकती, क्योंकि मतलब किस वजह से नहीं जा सकती उसका रीज़न तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसलिए बस बाहर से ही थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अगर मेरे साथ कोई आए रहते ना तो वो अंदर जाके थोड़ा सा दिखा देते, बट मैं बाहर से ही थोड़ा सा दिखाऊँगी आप लोगों को। तो ये देखिए, और इधर आप लोग देख सकते हैं, देखिए पूरा जंगल जंगल है। पहले तो बहुत ज़्यादा घना था, बट अभी थोड़ा सा मतलब पेड़ मन भी गिर गिर के टूट टूट के मतलब थोड़े से ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके का है, ये देखिए इधर भी मतलब अच्छे से बना दिए हैं और सीट वीट लगा लिए हैं, ताकि लोगों को अगर कभी बारिश वगैरह होगा ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हर मंदिर भी थोड़ा सा उसमें आंगन टाइप का बना दिए हैं, ये देखिए। सो चलिए मैं आप लोगों को ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो, वो ना फूल का पेड़ है जो कि अभी नहीं खिला है। और ये देखिए मतलब साइड साइड में सभी तरफ अच्छे से फूल का पेड़ है। और यहाँ पे झूला रखा जाता है, बट अभी निकाल लिए हैं। तो ये देखिए इस तरीके का है, और मतलब सभी तरफ ना बाउंड्री वगैरह लगा दिए हैं इस तरीके से। और वो देखिए वहाँ पे लिखा भी है कि 2011 में बना है मंदिर, मतलब पहले से ही है, बहुत पहले से, जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से है। बट मतलब दूसरा वाला था तो ये नया बनवाया है 2011 में। तो ये देखिए इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे गांव का छोटा सा मंदिर। तो कैसा लगा वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। और मेरे गले के पास थोड़ा सा अटक रहा है शायद। और बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर, तो जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब से है। तो गांव वाला है ना, गांव का सभी मतलब हमारे गांव का देवी देवता वाला मंदिर है, तो पहले से तो होगा ही। तो ये देखिए, बट दुख इस बात का लग रहा है मेरे को कि मैं आप लोगों को मंदिर अच्छे से नहीं दिखा पाई, तो अंदर भी नहीं जा सकती ना, और बंद भी है। बट कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आऊँगी ना तो उस टाइम आप लोगों को अच्छे से दिखा दूँगी।
इनको देखिए, इन लोग सुबह सुबह खेलने में भिड़ गए। और बाबू को देख सकते हो, पूरा एकदम बोया टाइप का दिख रहा है, गधा। नहीं नहाया है कल, तो आदमी थोड़ा सा चोट लगा उस वजह से कल नहीं नहाया। और हमारा वाला घर को टूटा दिए, मतलब तोड़ दिए, ये देखिए पूरा तोड़ दिए। एक छोटा सा कीड़ा था शायद, तो उसको देख के पूरा तोड़ दिए। और इधर ये देखिए इस तरीके से बना दिए हैं। और आगे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, इधर जाके दिखाती हूँ। इतनी बड़ी लड़की खेल रही है, देखिए घर घर खेल रही है। ये देखिए वहाँ पे पूरा बर्तन सब कुछ है, वहाँ पे पानी वानी पूरा भर दिए हैं। देखिए खाना वाना सब कुछ बनाने का। और फिलहाल ये वाला घर बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और आगे दिखाते हैं। तो चलिए बच्चे मन को तो देखो, सुबह सुबह और इतना ठंड में खेलने में भिड़ गए हैं। ये देखिए वहाँ पे तोड़ के ना ये पास बना रहे हैं, देखिए इस तरीके से। ये देखिए मस्त खेल रहे बच्चे मन। ये देखिए इस तरीके से बना दिए। और आगे भी है, और दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे ले जाके। और ये भी है एक घर छोटा सा, ये देखिए इस तरीके से बना दिए हैं। और भी आगे है, तो और दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए ये भी घर है एक, और अंदर में आप लोग देख सकते हैं। देखिए पूरा मतलब ऐसे बना दिया, पूरा पानी वानी सब कुछ खाना वाना बनाने का। और नीचे भी मस्त बिछा दिए हैं बोरा वगैरह। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से पानी वानी गिरेगा भी ना तो भी मतलब अंदर नहीं हो जाएगा। और ये रहा इनका बर्तन धोने वाला, और पानी वानी वहाँ पे डिब्बा में रख दिए हैं। और ये पास कपड़ा वपड़ा धो के सुखा दिए। देखिए कपड़ा सुखाने वाला भी रस्सी से बांध दिए हैं, मस्त सुखा दिए हैं। और इतना शोर कर रहे हैं कि क्या बताऊँ। ये देखिए, और ये रहा इनका झूला। ये देखिए झूला और लाइट भी है, दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए ये रहा लाइट, लाइट वाइट सब कुछ व्यवस्था बना के खेल रहे हैं। देखिए मस्त घर घर। सो फ्रेंड्स, अभी हम पानी वानी भर लिए हैं। ये देखिए सभी में मस्त अपना बर्तन में, सभी में पानी भर चुका है हमारा। और अभी हम नहाएंगे। सो चलिए अभी फटाफट से नहाते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, अभी हम नहा धो लिए हैं और खाना वाना भी खा लिए हैं, और मैं थोड़ा सा कंघी भी कर दी हूँ। और पास आ गए हम धूप के पास बैठने के लिए। और अभी मेरे को थोड़ा सा करना है एडिटिंग। और इधर हमारे बैंस मन जो है मस्त बैठ गए आराम से। सो फ्रेंड्स, अभी हम तोड़ रहे हैं कट्ठाबाजी। ये देखिए ये कट्ठाबाजी का पौधा है, तो ये बरसात के टाइम में लगाए थे ना वही वाला है। तो यहाँ का बीज को मतलब सूख गया था, तो उसको काट लिए हैं। तो वहीं पे देखिए मस्त हरा भरा सा निकल चुका है छोटा छोटा, तो इसी को अभी फ़िलहाल तोड़ रही हूँ मैं। तो सभी तरफ बाड़ी में घूम घूम कर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए और भी है बहुत सारा, तोड़ी हूँ मैं मतलब इतना भी बहुत सारा नहीं तोड़ी हूँ, थोड़ा सा ही तोड़ी हूँ। तो और कुछ लेके नहीं आई थी, तो मैं अपना जेब में पकड़ ली हूँ। ये देखिए और भी है थोड़ा सा, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मस्त ताज़ी ताज़ी है वैसे। तो रात को बनाएंगे, तो भाभी मन बनाएंगे, मैं तो नहीं बनाऊँगी। ये देखिए मस्त लगता है कट्ठाबाजी। तो चलिए अभी इसको डाल देते हैं पहले जेब में। सो फाइनली हमको इतने सारे कट्ठाबाजी मिल गए, देखिए मस्त ताज़ा ताज़ा। तो अभी इसको सब्ज़ी बनाएंगे। देखिए ज़्यादा नहीं है ना, नहीं तो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सभी बाड़ी में नहीं है, एक ही बाड़ी में था, वो भी थोड़ा सा, तो उसी का मैं तोड़ ली हूँ। ये देखिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी घर की फरियाँ आ रही हैं। ये देखिए स्कूल गए थे, सो ही लग गए थे स्कूल, और अभी आ रहे हैं। छुट्टी हुआ कितना? हाँ। छुट्टी होता है चार। क्या का पढ़े आज? बहुत पढ़े, कहानी और विज्ञान, गणित। सो ये रहे हमारे घर के गर्ल्स मन।
सो फ्रेंड्स हमारे बस मन मेरे को देख रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं अपना कपड़ा वहाँ पे सुखाए हैं। लड़की मन ना किसी एक गाने पे ना डांस कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो वही दिखाने के लिए बोल रहे थे सर्च करके, तो वही उनको दिखा दिखा के थी। और इधर हमारा कपड़ा पड़ा हुआ है, सो चलिए अभी हम अपना कपड़ा उठाते हैं। फ्रेंड्स अभी ना चेहरा चालू हो गया है आज से, तो अभी नाच रहे हैं मस्त करके बच्चे हैं। चलिए मैं आप लोगों को अपडेट करना शुरू कर दूँ, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो फ्रेंड्स फाइनली अभी हम खाना वाना खा लिए हैं और अभी हम सोएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद लग रहा है। और बाबू हमारा मस्त सो गया है, तो चेहरा चालू हो गया है ना, तो हाथ से है, तो माँ के साथ गए थे बाबू मन भी चेहरा नाचने के लिए। और उधर से आने के बाद खाना वाना खा के सो गया। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ ना आज की इस वीडियो को करते हैं फ्रेंड। सो आज का हमारे वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I'm not afraid to be alone.